हालत में थी, नम्मू से खून गिर रहा था, हाथ में पैंट ली हुई थी और उधर से सिसक सिसक के रोती हुई आ रही थी। यही हम लोग तो सर सुने हुए, ऐसे पूछे तो बोल रही है कि मुंह बंद की हुई थी और जो इस तरह से हुआ है ये हाल बता रही थी ये अपना। ये दम कर कर आ रही है बच्ची, बलात्कार करी है और बाद जब हल्ला हुआ है तो बच्चा के निकाल दिया है। इस घटना को अंजाम दिया है वो थाने की गाड़ी भी चला रहा था, जिस एप्लीकेशन पर आप देख सकते हैं कि थाने का मोहर नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, यानी ये वेरीफाइड एप्लीकेशन नहीं है, जीरोक्स कॉपी परिजन को वापस दे दिया गया है। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ तनुज मासूम। एक तरफ बिहार सरकार महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को लेकर जितने दावे कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मामला जक्कनपुर थाने से जुड़ा है, जक्कनपुर के करबिगैया से मामला है, जहां एक स्पेशल केस बच्ची यानी मंदबुद्धि बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। उसकी माँ है हमारे साथ, क्या कुछ हुआ है? हम तो यही देखे हैं कि आए हैं तो मोहल्ला ने बोल रहे हैं कि आपके बच्ची के बंद करके आप पूरा दम कर कर आ रही है बच्ची, बलात्कार करी है और बाद जब हल्ला हुआ है तो बच्चा के निकाल दिया है, उसको कड़ा सजाई दीजिए और जेल ने बंद करी। हम यही कौन था, कौन था वो लड़का, कौन था? सूरज नाम के। क्या करता, क्या है? अथी टेम्पू चलाता है, थाना का गाड़ी भी चलाता है। हाँ, थाना का गाड़ी चलाता है। कब ये घटना हुआ? बुध के, बुधवार यानी बीते बुधवार 12 बजे थाना गए थे आप लोग? हाँ, पुलिस के पास? हाँ, गए ले। क्या बोला पुलिस? पुलिस बोला है कि ठीक है, कागज जाएगा वहाँ चल जाएगा, हो गया, बस इतना ही बात बोला। हाँ, और कुछ? और कुछ नहीं बोलेंगे, जो देखेंगे बोले। ये थाना से मिला है आपको? एगो हमको दिया है, वो आपने दिया। और कुछ थाना से फोन वगैरह कुछ आया? हाँ। क्या बोल रहा था? कुछ बोल रहा सर, बुलाया है थाना में, लेके आइए, जाना है कोर्ट में, इसका अथी बयान लेंगे या लेकर फिर अब सर क्या बोलते ना बोलते हैं। वही सर अभी तुरंत कॉल कर रहे हैं, अभी तो लेकर 10 मिनट में जाएंगे। आप लोगों को कैसे पता चला कि? सर हम लोग को तो पता चला कि वहाँ कॉल गया ना, तो हम लोग आए अपने ससुराल से, तो यहाँ पर आए कि यहाँ का लेडीज लोग बोली कि इस हालत में थी, मुँह से खून गिर रहा था, हाथ में पैंट ली हुई थी और उधर से सिसक सिसक के रोती हुई आ रही थी। यही हम लोग तो सर सुने हुए, ऐसे पूछे तो बोल रही है कि मुँह बंद की हुई थी और जो इस तरह से हुआ है ये हाल बता रही थी ये अपना। ये तो सर आप हम लोग से यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसका कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, बस सर लोग तो यही कहना है। लड़का सूरज कुमार जो आरोपित इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, वो थाने की गाड़ी भी चला रहा था। जब ये लोग परिजन जब जक्कनपुर थाने पहुंचे, उन्होंने एप्लीकेशन दिया थाने को, जिस एप्लीकेशन पर आप देख सकते हैं कि थाने का मोहर नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, यानी ये वेरीफाइड एप्लीकेशन नहीं है, जीरोक्स कॉपी परिजन को वापस दे दिया गया है। पुलिस का ये कार्यशैली, पुलिस की ये रवैया कहीं ना कहीं असंतोषजनक है। बने रहें रिपब्लिकन न्यूज पर, फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।